हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, अभी मैं एयरपोर्ट पर बैठी हूँ, हर चीज़ हो गया है। तो आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। तो हम लोग का जो टिकट था वो फ्लाई दुबई का था, तो फ्लाई दुबई के लिए हम लोग आए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी बहुत हेल्पफुल है, तो आपको पूरा हेल्प कर देगी। आपके पास होना चाहिए शुरू में जब आप बैगेज देते हैं वहाँ पे, आपका पासपोर्ट, आपका टिकट और जो एयर सुविधा फॉर्म है वो चेक हुआ। वैक्सीनेशन कुछ भी यहाँ पे चेक नहीं हुआ, वैक्सीनेशन पूछा भी नहीं गया कि वैक्सीनेटेड है या नहीं, या डबल डोज सिंगल डोज कुछ भी नहीं। सिर्फ एयर सुविधा का फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेरीज हुए। उसके बाद बैगेज दे दिए, बैगेज अलाउंस था 30 kg बैगेज था और हैंड बैग के लिए 7 kg था। उसके बाद वो तो हो गया, उसके बाद आता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में जो आई स्कैन वगैरह हुआ वो सबका हम लोगों का हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन में भी कुछ भी नहीं पूछा गया, ओनली जो स्कैन और पासपोर्ट से जो देखते हैं फ़ोटो वगैरह मिला देते हैं वो सब हुआ। उसके बाद आया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में काफ़ी इस बार मैंने देखा काफ़ी वो है सिक्योरिटी में। आपके बैंगल्स, अगर आप लेडी हैं तो बैंगल्स आपको पूरे खोल के रखने पड़ेंगे। लैपटॉप है, चार्जर है, जो भी है ओपन करके सब कुछ रखना पड़ रहा है। पूरा हर चीज़ स्कैन हो रहा है, हैंडबैग का हर चीज़। तो यही है, कुछ मेटल, अगर आपके पास कुछ भी मेटल है तो वो सब आपको चेक करवाना पड़ेगा वहाँ पे। तो सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद हम लोग अंदर आ गए। तो अंदर आने के बाद मैं छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी इस एयरपोर्ट का। तो ये टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 2 यानी कि फ्लाई दुबई के लिए है। तो और बाकी जो है वो एमिरेट्स वगैरह से काफ़ी छोटा है, एमिरेट्स का जो टर्मिनल है वो काफ़ी बड़ा है। तो थोड़ा बहुत क्लिप ड्यूटी फ्री का भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि ड्यूटी फ्री कैसा है। काफ़ी अच्छा है अरेंजमेंट, काफ़ी अच्छा। अभी मैं जो बैठी हुई है पूरा हम लोग का सब कुछ हो गया, बोर्डिंग बस बाकी है। तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। काफ़ी लोग अभी सोच रहे हैं ट्रैवल करें या ना करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो ट्रैवल करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए, अभी तक इतना ही है, आगे क्या अपडेट होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, कुछ देर बाद ही बोर्डिंग शुरू हो गया था। तो ये हम लोग आ गए हैं अभी बोर्डिंग के लिए। यहाँ पे पूरे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, तो काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग में लोग बैठे हैं। और इनका जो एक एक फ्लाइट का जो काउंटर है, देखिए यहाँ पे 2 काउंटर हैं। यहाँ पे भी पूरा डॉक्यूमेंट फिर से चेक हो रहा है, यानी कि आपका पासपोर्ट, जो PCR टेस्ट रिपोर्ट है वो चेक हुआ, एयर सुविधा का फॉर्म जो है वो चेक हुआ, और आपका बोर्डिंग पास चेक हुआ, और आपके जो हैंड बैग में जो टैग लगा रहता है वो भी पूरा चेक हो रहा है यहाँ पे। तो चेक होने के बाद हम लोग आ गए हैं, हम लोग बैठ गए हैं बस में। सामने ही बस खड़ी रहती है, आपको बस में बैठ जाना है, बस आपको लेके पूरा जो भी आपका फ्लाइट होगा वहाँ पे जाके छोड़ देगी। तो कुछ देर यहाँ पे वेट करना पड़ा जब तक बस फुल हो जाती है, तब तक यहाँ पे वेट करना पड़ा है। और ये देखिए बाहर का व्यू मैं दिखाती हूँ, रात में इतना अच्छा लगता है, एयरपोर्ट चारों तरफ लाइट ही लाइट एकदम। ये है फ्लाई दुबई की फ़्लाइट। तो एमिरेट्स के सामने काफ़ी छोटी सी फ्लाइट है एकदम। अंदर जाके देखते हैं कैसा है क्या है, इसमें पूरा इकोनॉमिक क्लास ही है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, और अंदर आपसे बात करती हूँ। बैठ चुके हैं, बस से आना पड़ता है फ्लाइट तक। फ्लाई दुबई की फ़्लाइट है, बस से डायरेक्ट जहाँ पे फ्लाइट खड़ी रहती है वहाँ पे बस आ जाती है, वहीं से आपको फ़्लाइट में चढ़ जाना है। बाकी यहाँ पे सिर्फ आपका बोर्डिंग पास जो है वही चेक होगा, और कुछ भी फ्लाइट में चेक नहीं होता है। बोर्डिंग पास दिखा के आप लोग अपनी सीट नंबर पर बैठ जाइए, बस हो गया। तो यही है, थोड़ा सा व्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट पे क्या प्रोसीजर है उसके साथ मिलती हूँ आपसे। तो अगर आपकी रात की फ़्लाइट रहती है दुबई की, तो आप नीचे का देखिए कितना सुंदर व्यू आता है, दिन से भी ज़्यादा सुंदर, दुबई दिख रहा है एकदम, जगमगाता हुआ दुबई दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है,
ये देखिए छोटी छोटी गाड़ियाँ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये देखने में। तो इस व्यू को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आपका विंडो सीट है या नहीं भी है, मिडिल सीट है, तो भी आपको दिखेगा ये। तो ये व्यू ज़रूर देखिएगा। ये मतलब एक एक्सपीरियंस की तरह होता है कि दुबई को इतनी ऊंचाई से देखना, इतना सुंदर व्यू कभी भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं लगता है। बहुत ही सुंदर लगता है दुबई इतनी ऊंचाई से। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग कोलकाता पहुंच गए हैं। ये देखिए एयरपोर्ट, एकदम रात का अभी बज रहा है 12:30। तो 12:30 बजे एकदम पूरा एयरपोर्ट खाली है एकदम। तो यहाँ का मैं सिस्टम बता दूँ कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं था सब जगह। भी इसी बार देखने को मिला कि वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो लोग बार बार आके बोल रहे हैं कि किसी तरह का वीडियो या फ़ोटोज़ नहीं लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। आने के बाद आपको अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, PCR टेस्ट और एयर सुविधा फॉर्म, ये चारों चीज़ बस लग रहा है, वो आपको सबमिट कर देना है वहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हर चीज़, मतलब बैगेज भी हम लोग को मिल गया है। बैगेज लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एग्ज़िट के तरफ। अभी तक कोविड टेस्ट का यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं बोले हैं। अगर PCR टेस्ट होता है एग्ज़िट के वहाँ पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वहाँ का अपडेट, कितना क्या लग रहा है। बट बैगेज हम लोग को मिल गया है। ये देखिए ये बैगेज हम लोग ले लिए हैं, बट अभी तक PCR टेस्ट का कुछ भी नहीं है। अगर आगे होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, और नहीं होता है तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आगे के अपडेट्स आपको वीडियो के थ्रू मिलते रहेंगे, मेरे इंडिया के ब्लॉग्स भी आप लोगों को देखने के मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तो गाइज़, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपडेट दूंगी बाहर जाने के बाद क्या होता है RT-PCR टेस्ट का। तो जहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट में जहाँ पे एग्ज़िट होते हैं हम लोग, वहाँ पे RT-PCR टेस्ट का बूथ वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था। बैगेज वगैरह ले जाने के बाद वहाँ पे RT-PCR टेस्ट हो रहा था। तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया गया, तो फॉर्म जो है वो हर पैसेंजर के लिए कंपलसरी है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए भी कंपलसरी है वहाँ पे टेस्ट कराना, यानी कि 6 महीने से बड़ा अगर बच्चा है तो उसको भी टेस्ट कराना कंपलसरी है। तो आपको RT-PCR टेस्ट वहाँ पे कराना है फॉर्म फिलअप करने के बाद। फॉर्म में छोटे मोटे जो डिटेल्स होते हैं, पासपोर्ट डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब, आपको वैक्सीनेटेड है कि नहीं, ये सब डिटेल्स भर के आपको वहाँ पे देना है। आपका सैंपल वहाँ पे ले लिया जाएगा, और पर हेड चार्ज हो रहा है 995 रुपीज़। और आप कार्ड भी एक्सेप्टेड है, और बेटर होगा कि आप चेंज वहाँ पर रखिए, चेंज का काफ़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो ये था RT-PCR का अपडेट। आई होप आप सबको हेल्प हुआ होगा।